परिवार की पार्टियां। और अकेली और तो छोड़िए, कांग्रेस पार्टी भी अब माँ बेटी बेटा की पार्टी बन गए, बाकी सब कुछ। ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने वंशवाद को चैलेंज करके रिपोर्ट कार्ड की राजनीति को खड़ा किया और जनता के लिए काम करने के लिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स को समाप्त करके विकासवाद की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सत्ता में गद्दी पर बैठने के लिए नहीं आए हैं, गद्दी पर बैठने के लिए नहीं, लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं और तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए। देखिए, 2014 के पहले भारत एक भ्रष्टाचारी राज्य के रूप में देखा जाता था दुनिया में, करप्ट स्टेट, करप्ट नेशन, घोटाले पे घोटाला, 2G 3G 4G, घोटाले पे घोटाला, लैंड स्कैम, पंडुपी स्कैम, पानी के अंदर नहीं छोड़ा, गगन में नहीं छोड़ा, धरती पर नहीं छोड़ा, कोयला स्कैम, अलकतरा स्कैम, एक पर एक घोटाले। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद दुनिया में भारत का डंका बजा और दुनिया में भारत की थाथी बनी, इस बात को मैं देखता हूं। देखिए, मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, आज से 2014 के पहले जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय नेता भारत के बारे में चर्चा करता था तो वो हमेशा कहता था इंडिया एंड पाकिस्तान, मतलब हमको दोनों को साथ रख करके ये लड़ने वाले दो देश हैं, ये इंडिया एंड पाकिस्तान। इस तरीके से हमारे को अंतर्राष्ट्रीय भाषा में हमारे बारे में संबोधन होता था। 2014 के बाद, मोदी जी के आने के बाद, इंडिया की चर्चा जब होती है तो इंडिया इंडिया है, पाकिस्तान कौन हो गया, कोई चर्चा नहीं करता पाकिस्तान को, भारत से जोड़ना समाप्त हो गया। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन, मैं जल जीवन मिशन में आगे भी बताऊंगा, हमारे गजेंद्र शेखावत जी जल जीवन मिशन में सबसे ज्यादा पैसा राजस्थान को दिया गया, और दुख के साथ बताना पड़ता है कि सबसे पुअर परफॉर्मेंस राजस्थान की है, सबसे ज्यादा पैसा दिया गया जल जीवन मिशन और सबसे पुअर परफॉर्मेंस, ये 29वें नंबर पर खड़ी है गजेंद्र, 29 नंबर में, 32 में से 29वां, 32 प्रदेशों में 29वां नंबर है नीचे से। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी इतना कुछ राजस्थान के लिए कर रहे हैं तो ये प्रदेश जो भ्रष्टाचार में आगे, ये प्रदेश जो रेप में नंबर वन पर खड़ा है, महिला उत्पीड़न हो रही है, जहां भ्रष्टाचार आकंठ डूबा हुआ प्रदेश है, आने वाले समय में यहां नीचे भी कमल खिलना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को आगे आना चाहिए।